ज्ञान बापी के व्यासजी तहखाने में पूजा अर्चना की गई। कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर की मौजूदगी में पूजा की शुरुआत हुई। तहखाने की दीवार पर बने त्रिशूल समेत अन्य धार्मिक चिन्हों की भी पूजा की गई है। वाराणसी जिला कोर्ट ने बुधवार को पूजा का आदेश दिया था। इसके बाद से ही काशी विश्वनाथ धाम परिसर में पुलिस प्रशासन की हलचल तेज हो गई थी। पहले काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के कर्मचारियों ने अंदर सफाई की, जिसके बाद न्यास की ओर से तहखाने में पूजा की सामग्री लाई गई। न्यास के 5 पुजारी बुलाए गए, जिन्होंने पूजा अर्चना की आज से विधिवत शुरुआत कर दी है। प्रतिदिन सुबह 3-3:30 बजे तक यहाँ मंदिर पर उपस्थित जाते हैं, बाबा का नित्य दर्शन करते हैं, इस पर दर्शन करते हैं और इच्छा प्रत्येक दिन यही रहती है कि आदि विश्वेश्वर नाथ का दर्शन हो। उनके नीचे जो अभी कल का आदेश श्रीमान जिला जज ने किया, उससे हमें बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता मिली। हम बहुत ज़्यादा और उसकी कोई सीमा नहीं उस प्रसन्नता की कि हमारे देव, हमारे आराध्य, उनके दर्शन पूजन का हमें अधिकार मिल रहा है हम सभी को। और हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द सभी के लिए, आम जन के लिए भी वो दर्शन पूजा के लिए खुल जाए। तो देखा आपने, कल वाराणसी जिला कोर्ट ने जो है व्यास जी तहखाने में पूजा का करने का जो है आदेश दिया था। और अब जो है 7 दिन का समय प्रशासन को दिया गया था कि 7 दिन के अंदर व्यवस्था दुरुस्त कर ली जाए और विधि विधान से ब्याज भी तहखाने में पूजा अर्चना शुरू कर दी जाए। उसका जो आदेश का अमल है वो आज से दिखाई देने लगा है। आपने देखा कि ब्याज भी तहखाने में व्यासपीठ के 5 पुजारियों को बुलाया गया था और आज से ही विधि विधान के साथ कलेक्टर और SP ने यहाँ पर पहुंचकर पूजा अर्चना की है। उनकी मौजूदगी में भारी पुलिस बल तैनात किया गया और ब्यास जी थकाने में आज से जो है पूजा अर्चना शुरू की गई है। बता दें कि 31 साल बाद ये दिन आया है जब ब्यास जी तहखाने में पूजा अर्चना की गई है। साल 1993 में तत्कालीन मुलायम सिंह की सरकार ने इस पर रोक लगा दी थी। ब्यास जी तहखाने में पूजा अर्चना पर विराम लगा दिया था, लेकिन एक बार पुनः और इस खबर पर हमारे साथ धर्मेंद्र, जो कि वाराणसी से हमारे सहयोगी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, बात की जाए तो 31 साल बाद जो है ब्यास जी तहखाने में पूजा अर्चना करने का अधिकार मिला है कोर्ट के माध्यम से हिंदू पक्ष को, और आज से विधि विधान से पूजा अर्चना भी की गई है। तमाम प्रशासनिक अधिकारी, कलेक्टर, SP की मौजूदगी में पूजा अर्चना शुरू की गई है। और क्या कुछ जानकारी इस खबर को लेकर धर्मेंद्र? देखिए, जिला न्यायाधीश वाराणसी के आदेश के बाद तत्कालीन जिलाधिकारी वाराणसी S राजलिंगम और पुलिस कमिश्नर वाराणसी अशोक मुथा जैन आनंद फानंद में 7 दिन के पहले ही 7 घंटे के अंदर वाराणसी के ज्ञानवापी व्यास पीठ का ताला खुलवाकर उन्होंने रात के 2 बजे पूजा पाठ का जो प्रक्रिया है उसको प्रारंभ करा दिया। और उसके साथ साथ बताना चाहूंगा कि पूरे जो व्यास पीठ है उसका शुद्धिकरण किया गया, गंगा जल मंगवाकर और गंगा जल के पास गणेश लक्ष्मी पूजन करने के उपरांत ब्रह्म मुहूर्त में पांडोच्चार विधि से पूरा पूजन का जो आगाज होता है, जो विश्वनाथ मंदिर में जिस तरीके से बाबा विश्वनाथ की पूजा होती है उस तरीके से ब्रह्म मुहूर्त में पूजा का आगाज किया गया और उसका शेड्यूल बनाया गया कि मंगला आरती और दोपहर की शाम और सायं चारों शेड्यूल बनाया गया है कि किस तरीके से पूजा पाठ किया जाएगा। वहीं आपको बताना चाहेंगे कि अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और सुप्रीम कोर्ट से झटका मिलने के बाद धर्मेंद्र आपको रुकना चाहूंगा यहाँ पर।